हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आज मेरे आइसोलेशन का 5वां दिन है और आइसोलेशन में देखो ज़िंदगी ऐसे ही निकल रही है। अच्छा, आज एक छोटी सी तुम लोग को स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सोर्स था, मुझे कहाँ से ये वायरस हुआ। जैसा सबको पता है कि मैं इस बीमारी से गुजर रहा हूँ, तो वो ये सोर्स मुझे आज पता लगा है। एक्चुअली हम लोग जिस जो टीम काम के लिए जाती थी उसमें टोटल 5 लोग थे और हमारे जो ड्राइवर था उसको सर्दी खांसी जुखाम और बुखार आ गया था। तो वो ये बता के घर पे था कि मुझको सर्दी खांसी जुखाम बुखार हो रहा है, मैं आऊँगा नहीं। उसने ये नहीं बताया कि हाँ मुझे ये सिम्टम हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और उसकी वजह से मुझे मेरा ये सारा टेस्ट लॉस या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप घर पे था। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोग हम 5 लोगों की टीम थी उसको लेके, तो उसकी वजह से हम 4 लोग जो भी थे उनके अंदर ये वायरस 100% आ गया। मेरे अंदर भी आ गया और भी जो 3 लोग थे उनके अंदर भी आ गया, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उन्हें वर्कलोड ज़्यादा पड़ा या उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं वीक हुई। वो अपना डेली वेज का जैसे काम कर रहे थे, जो उनकी रूटीन थी वो उसको करते जा रहे थे, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, तो उनकी बॉडी पे वायरस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब मेरी बॉडी पे इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैं संडे और मंडे 2 दिन वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था, मैं ढंग से सो नहीं पाया, ढंग से खाना नहीं खा पाया, उसकी वजह से मेरी बॉडी की इम्यूनिटी 2 दिन वो जो वीक पड़ी उसी में वायरस का अटैक हुआ और उसकी वजह से। तो इस कहानी का ये मतलब है कि भाई आप लोग को अगर किसी को भी ये हो रहा है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप छुपाइए मत। अगर वो चीज़ें वो मुझे पहले बता देता तो हो सकता है कि मैं आयुष मंत्रालय वाला जो दवा निकली है वो खा लेता या फिर कुछ भी मैं अपनी प्रिकॉशन ले लेता ताकि मुझे ये वायरस इफेक्ट नहीं कर पाता। तो उसकी नासमझी और उसकी इन्फॉर्मेशन छुपाने की वजह से समझ लीजिए मुझे ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। खैर, वो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं अपनी सारी रूटीन एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ। 5 दिन मुझे हो भी गए हैं लेकिन अभी भी टेस्ट और स्मेल नहीं आई है। इसकी आप ग्रेविटी समझिए, मुझे 5-6 दिन हो गया मैं हाईली विटामिन चीज़ें ले रहा हूँ, मुझे खट्टेपन का कोई स्वाद नहीं आ रहा, मीठा मुझे पता नहीं लग रहा, मीठा भी पता लग रहा था पहले लेकिन अब वो भी चला गया है, कड़वेपन का कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे स्मेल पता लग रही है ना मुझे स्वाद पता लग रहा है। बस ये दोनों चीज़ें हैं ही मेरे केस में, ये दोनों सिम्टम आए हैं। अब उससे लड़ने के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप लोगों को बताया भी था कि सुबह नींबू गर्म पानी के साथ 1 नींबू और 2 गिलास गर्म पानी बढ़िया से, फिर उसके बाद काढ़ा है, फिर चाय है और फिर उसके बाद स्टीम है, फिर रामदेव की जो दवा है वो है और फिर जो एलोपैथी जो दवाइयां हैं विटामिन सी की ही हैं वो सब, तो वो सारी दवाइयां हैं। और स्टीम दिन में 3 बार मैं जरूर, 3 बार तो करता हूँ, 3 से ज़्यादा भी कर लेता हूँ। गार्गल भी है, नमक पानी का गार्गल और बीटाडिन का भी गार्गल कर लेता हूँ, वो डिपेंड करता है, जो भी चीज़ें मुझे मिलती है आसानी से मैं कर ले जाता हूँ। और इलेक्ट्रिक केटल अपने पास है तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक मुझे कोई भी स्वाद या स्मेल वापस नहीं आई है। इसकी आप ग्रेविटी को समझिए और अपने आप को बचा के रखिए, और कोई भी चीज़ हो किसी भी तरीके का हो ये इन्फॉर्मेशन आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घर वालों या सबके साथ शेयर करके रखिए, और तभी अच्छा होगा क्योंकि देखिए मैंने चीज़ों को शेयर किया, अपने फैमिली के अलग कर दिया, उन्होंने फटाफट जो भी प्रिकॉशन लेना था सारी चीज़ें ले ली, अब मैं उनसे अलग हो गया हूँ तो आइसोलेट हो गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग अपना अच्छे से रह खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही कुछ ऐसा सिम्टम उनके अंदर दिखे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इस इन्फॉर्मेशन को छिपाइए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चीज़ों को अच्छे से करिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका इलाज आप घर पे ही रह के कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल या कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो आयुष मंत्रालय की दवा है जो कोविड पॉजिटिव है उनके लिए भी हो रही है, जो कोविड नहीं है
उनको भी प्रिकॉशन के तौर पे दिया जा रहा ताकि उसका एक अच्छा प्रभाव आए और उसकी वजह से कोई भी सिम्टम और वो चीज़ें ना आए। बाकी आप लोगों को अपनी इम्यूनिटी तो खुद से ही वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको साइट्रस फूड, काढ़ा, हल्दी वाले दूध, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। और जो नीम के पेड़ पे अगर आपको गिलोय मिल जाती है तो वो यूज़ करिए, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग करते रहिए अगर किसी को होता है तो। अब बाकी किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इससे कुछ भी घबराने और कोई ऐसी कोई जन्मजात बीमारी नहीं है कि अब ठीक नहीं होगा और ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप इसको खुल के बताइए और लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो क्या पता आपकी इन्फॉर्मेशन उसके लिए किसी और के लिए काम आ जाए। तो एकदम इसको बताइए, अच्छे से बताइए और इस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करिए जो भी किसी तरह की उससे गुजर रहे हों स्थिति से। तो बस यही कहना था, सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।